नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आपने फ्री PDF और नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आपको सारे PDF और नोट्स मिल जाएंगे। और इस वीडियो की जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, इसकी भी आपको PDF मिल जाएगी, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो बढ़ते हैं आज का टॉपिक है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। आपके निश्चित है कि एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे बैंक, SSC, रेलवे, कोई भी IPCS एग्ज़ाम, उसमें ज़रूर आपके यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास खास चीज़ें हुई हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट, जानेंगे उनके बारे में। तो बढ़ते हैं पहले वाले प्रश्न पर। जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 हुआ है उसमें जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है, तो सबसे स्वच्छ शहर जो रहा है कौन सा रहा है, इंदौर। इसने कौन सी बार खिताब जीता है, तो इसने चौथी बार ये खिताब जीत चुका है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश का जो सबसे साफ शहर रहा है वो रहा है इंदौर, तो देश का सबसे जो ज़्यादा गंदा शहर रहा है तो कौन सा रहा है गंदा, ये रहा है पटना। जो सबसे ना गंदा शहर रहा है कौन सा रहा है, पटना। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण जो है किस वर्ष चालू किया गया था, तो किस वर्ष चालू किया गया, तो ये 2016 से चालू किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था। बढ़ते हैं अगले बारे पर, तो सबसे अधिक बार स्वच्छता सर्वेक्षण खिताब जो है किसने जीता है, तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि सबसे अधिक बार किसने जीता है, इंदौर ने, वो भी कितनी बार, 4 बार जीत चुका है ना। तो इंदौर कब कब जीता है, 2017 में और 18, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 2017 में, 18 में, 19 में और 20 में, 4 बार टोटल ये जो इंदौर है ये खिताब जीत चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 में, तब कौन जीता था, तब जीता था मैसूर। केवल एक ही बार जब स्टार्टिंग हुई थी 2016 में तब मैसूर जीता था, बाकी फिर लगातार कंटिन्यू जो है इंदौर फर्स्ट रहा है। और इंदौर कहाँ का है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन से याद रखना है। फिर है पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण का खिताब किसने जीता था, तो अभी आपको बताया था कि मैसूर ने जो है 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण का खिताब जो है जीता था। इसके बाद है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जो है कितने पैमानों पर हुआ है, तो कितने पैमानों पर हुआ है, तो ये 9 पैमाने जो हैं उनको ये मापदंड रखकर बताया गया है कि ये क्यों रहा है। जो 9 मापदंड हैं इन पर ये जो शहर हैं खरे उतरे हैं, इस कारण के लिए बताया गया। तो देखते हैं डिटेल में 9 पैमाने कौन कौन से थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। कितने पैमानों पर हुआ है, तो ये बता देंगे आप 9 पैमाने। पहला जो है कौन सा है, कि घरों से कचरा उठाना और परिवहन, कैसे उठाया है और किस परिवहन से कैसे उठाया, तो पहला मापदंड ये रहा था। फिर क्या रहा था, कचरे का प्रसंस्करण और निष्पादन, कैसे आप कचरे का उठा के उसका निष्पादन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं उठा के एक गली से उठा के दूसरी गली में पटक दिया, या शहर के बाहर कहीं भी अच्छी जगह वहाँ पटक दिया। देखा हुआ आपने कहीं कहीं गाँव वगैरह में से कूड़े के ढेर लगा जाते हैं, धुआं निकल रहा है उसमें से कंटिन्यू, तो वो निष्पादन तरीके से नहीं हो पाता सही से। गाँव वाले पास में गाँव है, आपने वहीं पटक गया, पूरा पहाड़ सा लग गया, तो गांव वालों को परेशानी होती, तो ये सर उचित निष्पादन नहीं है। इस पे जो खतरा उतरा है तरीके से उसका खाद वगैरह के रूप में उसको यूज करके सही तरीके से जो भी है किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट है अपना दूषित पानी शुद्ध फिर उपयोग। अब जो पानी वगैरह रहता है अपना, पानी ये रहता है जो नाले वगैरह से पानी जाता है, यहाँ से माली नदी निकल रही है और ये नाले वगैरह इसमें टच हो रहे हैं, तो आप इसका कैसा यूज कर रहे हैं, क्या पूरी नदी नाली में मिलते जा रहे हैं, वही पानी जो है अपना वापस ये घरों में जाता है पानी, वही पानी आपके घरों में आता है टंकी के थ्रू, है ना, वही पानी आप पीते हैं, तो ये इससे बीमारियाँ फैलेंगी, हैजा वगैरह बीमारियाँ फैलेंगी, तो इसका भी आप कैसे उपयोग कर रहे हैं। फिर है गंदगी में कमी फिर इस्तेमाल पुनर्चक्रण पर जोड़ देना। 5वां पॉइंट जो था, पैमाने जो थे, ठोस प्रदूषकों में कमी लाना, कचरा बीनने वाली सामाजिक स्थिति सुधार लगाना, जो कचरा वाले बीनते हैं उनके लिए आप सेफ्टी ग्लव्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो, और जो मैला उठाने वाले हैं वो आपके यहाँ के नहीं हैं कि नहीं, तो क्या है कुछ लोग क्या है अभी भी मैला उठाने में लगे हुए हैं, तो ये जो है
कुरुतियाँ हैं इनको दूर करने बारे में। अगला जो है अपना सातवां क्या है, जेम से खरीदी को बढ़ावा देना। गंगा नदी के पास बसे शहरों में, जो गंगा नदी के पास है बसे शहर हैं उनमें ये सर्वेक्षण किया गया है। तो ये जो है कितने शहरों में, 97 शहर हैं ऐसे जो गंगा नदी के पास बसे हुए हैं उनमें ये सर्वेक्षण किया गया है। स्वच्छता के लिए कदम उठाना व टेक्नोलॉजी से निगरानी। अब टेक्नोलॉजी में आप क्या ले सकते हैं, तो दोस्तों सीसीटीवी कैमरे जो हैं आपके लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करते कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं फैला रहा, कोई कहीं रोड पर थूक तो नहीं रहा। तो इसके लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं और क्या उसका भी प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये सब आ जाता है। और टेक्नोलॉजी की आप कितनी हेल्प ले रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये जो 9 पैमाने थे, ये जो सारे 9 पैमाने दिख रहे हैं, इन 9 पैमानों पर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। कई बार क्या है दोस्तों, पहला नंबर वाला पूछ लिया जाता है, लेकिन कई एग्जाम में देखा गया कि दूसरा तीसरे तक पूछ लिया जाता है आपसे। तो आपको बताना है कि दूसरे नंबर पर जो है कौन सा शहर रहा, तो दूसरे नंबर पर सूरत जो है, सूरत शहर रहा है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि थर्ड नंबर पर कौन सा शहर रहा है। तो आपके लिए ये कि प्रश्न नाम में छोड़ रहा हूँ, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि थर्ड नंबर पर जो है कौन सा शहर रहा है सबसे स्वच्छ में। अब इम्पोर्टेंट है कि हमारा केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है, तो ये हरदीप सिंह पुरी जो हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने क्या यहाँ पर अपने ऑफिशियल पे घोषणा करी थी, और पीएम मोदी जी ने पहले घोषणा कर दी थी, फिर उन्होंने यहाँ पर इनका नाम घोषित किए थे। ठीक है, यहाँ आप पूछ सकते हैं प्रश्न ये भी आपसे मंत्रालय से रिलेटेड। अब बताना कि 100 से अधिक शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य पूछा है आपसे, तो 100 से अधिक जिस शहर में राज्य हैं वो है छत्तीसगढ़, उसमें रहा है छत्तीसगढ़ टॉप पर। ठीक है, इसके बाद है कि 100 से अधिक सबसे कम जो है उसमें भी आपको सबसे साफ बताना, ये 100 से कम वाले हैं, कम वाले में है कौन, झारखंड। 100 से कम शहर वालों में सबसे साफ कौन है, झारखंड, और 100 से अधिक वाले में कौन है, छत्तीसगढ़। तो कंफ्यूज नहीं होना, 100 से अधिक वाले में छत्तीसगढ़ और 100 से कम वाले में ये झारखंड। इसके बाद ये जो सर्वे है कोई ना कोई तो करा रहा होगा, तो ये सर्वे जो है किस मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा था, तो आपको बताना है किस मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा था ये, तो ये कराया जा रहा था केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये सर्वे जो है कराया जा रहा था। अब ये सर्वे चला होगा तो कितने दिन चला होगा, कुछ ना कुछ डे तो रहे होंगे इसमें, तो कितने दिन तक चला यह सर्वे, तो ये सर्वे टोटल चला है हमारा 28 दिन तक, ये टोटल हमारा सर्वे चला है। इस डाटा को अच्छे से याद रख लें, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए इसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो ये जो है दोनों माध्यम से ऑफलाइन और डिजिटल, जो पहला ये जो था डिजिटल माध्यम था इसमें ऑफलाइन भी तो लोग और ऑनलाइन भी इनमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो इसमें करीब 1.7 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें कई लोगों ने डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसमें अपनी भागीदारी प्रकट की थी, तो इसमें भी काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन जो लोगों ने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कराया था इतना ही लोग थे वो। अब बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी के पास बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो ये जो है गंगा नदी के पास बसे शहरों में 97 शहरों का सर्वेक्षण कराया गया था, इसमें सबसे अधिक रहा था वाराणसी। वाराणसी जो है सबसे अधिक साफ रहा था, और ये जो है किन का संसदीय क्षेत्र है, ये मोदी जी जो है हमारे पीएम, इनका क्या है संसदीय क्षेत्र भी है साथ में। ये देखिए ये लिखा है 97 गंगा शहरों का सर्वेक्षण किया गया था, तो उसमें टॉप कौन रहा, उसमें रहा है वाराणसी। अगला प्रश्न है, इसमें इसके अलावा और भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, किसमें, शहरी और राज्यों को स्वच्छ शीर्षक महोत्सव, ये जो है इसके तहत स्वच्छ महोत्सव शीर्षक के तहत कुल कितने पुरस्कार दिए जाएंगे, तो ये जो है 129 पुरस्कार भी दिए जाएंगे, इनके अलावा इन ये पुरस्कार और दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन से आपको इतना भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से प्रश्न आएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, जो भी आएंगे इस वीडियो से ही आपको प्रश्न मिल जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो आपका, स्टेट, पीसीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी, कोई भी। अब बात करते हैं सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, तो कौन सी रही है वो हमारी, तो ये हमारी सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड रही है जालंधर, जालंधर।
और कितनी छावनी बोर्डों में कराया गया था, तो ये 62 छावनी बोर्डों में सर्वे हुआ था, उसमें से टॉप रही हमारी जालंधर। तो यहाँ आपको वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताएं। साथ में आपको एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो सर्वेक्षण है अब तक का विश्व का जो है सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था, विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था, साथ ही ये डिजिटल सर्वेक्षण भी था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो है इसमें करीब 2020 में 4242 शहरों को सम्मिलित किया गया था, तो देख सकते हैं कितने बड़े जना शहर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। पहली बार जो हुआ था कब हुआ था, 2016 में, तो इसमें काफ़ी कम शहर थे, लगभग कम ही शहर थे, इसका डाटा ध्यान नहीं आ रहा कितना है, तो ये जो है काफ़ी कम शहर थे, बाकी जो इसमें हैं 2020 में जो है 4242 शहर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को फिनिश करते हैं, वीडियो जरूर बताएं कमेंट करके कैसी लगी, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।